नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिले के सभी थाना प्रभारी और कई पुलिस कर्मी मौजूद रहे। इस दौरान SSP ने लगातार डिजिटल माध्यम से लेन देन के मामले में आम लोगों के साथ हो रही ठगी को लेकर कहा कि इस तरह की घटना पर रोक लगाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। SSP आनंद कुमार ने कहा कि धोखाधड़ी मामले की जानकारी देने के लिए साइबर एक्सपर्ट को बुलाया गया है, जो पुलिस वालों को डिजिटल लेन देन के दौरान होने वाले फ्रॉड से संबंधित जानकारी देंगे। साथ ही इस तरह की घटना या फ्रॉड के बाद कानून के तहत दी जाने वाली सजा एवं कार्रवाई की जानकारी एक्सपर्ट द्वारा विस्तृत रूप से दी गई। मालदा डिवीजन के मंडल रेल प्रबंधक गुरुवार को इंजीनियर, सर्वेयर और रेलवे के कई पदाधिकारियों के साथ भागलपुर पहुंचे, जहां DRM ने भागलपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान DRM ने यहां बन रहे मॉडल स्टेशन की सभी भौगोलिक स्थिति को देखा और जमीनी स्तर पर काम करके स्टेशन परिसर का सौंदर्यीकरण करने का निर्देश रेल अधिकारियों और कर्मियों को दिया। निरीक्षण करते हुए DRM पार्सल की सुविधा और सर्कुलेशन समेत कई बिंदुओं पर भी चर्चा करते हुए सर्वे के दौरान चिन्हित जगहों की साफ सफाई कराने की बात कही। वहीं मालदा डिवीजन के DRM ने कहा कि भोलानाथ पुल पहुंच पथ नक्शे के हिसाब से तो सही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कहां तक यह सही हो पाएगा, इसके लिए भौगोलिक स्थिति को भी देखना जरूरी है। साथ ही DRM ने कहा कि सौंदर्यीकरण को लेकर स्मार्ट स्टेशन बनाने के लिए रेलवे की जमीन पर ही काम करना उनकी प्राथमिकता में रहेगी, जिससे आम लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। हमारे स्टेशन डेवलपमेंट देखते हैं तो वो मनोज खान साहब वो आए हैं, जो कंसल्टेंट आर्किटेक्ट हैं वो आए हुए हैं हमारे साथ साहब, और चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर जो हैं मुख्यालय से फॉर स्टेशन डेवलपमेंट वो आए हुए हैं। तो हम लोग इकट्ठे जो लास्ट प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेशन डेवलपमेंट का, तो उसमें कुछ प्रश्न उठाए गए थे, उनको टेक्निकली आज सामने साइट पे आकर के देखने का हम लोगों की प्लानिंग थी। तो वही काम हम लोग कर रहे हैं। सेकेंड एंट्री पार्सल को कैसे लाया जाएगा इसके बारे में, और सर्कुलेशन कैसे होगा, क्योंकि जो ये उल्टा पुल है अभी आपके दाहिनी तरफ, इससे जो हमने देखा सेकेंड एंट्री पे जाने के लिए एकदम यू टर्न करना पड़ता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेशन पॉइंट बन जाता है। तो इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं किस तरह के कंजेशन पॉइंट्स यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे जब हम लोग वर्ल्ड क्लास स्टेशन की प्लानिंग करेंगे तब, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। और बाकी जो ओवरऑल जो सुंदरीकरण है उसके जो भी आइडियाज़ हम लोगों को मिल रहे हैं, तो पूरी टीम के साथ हम लोग आज यहाँ पर उपलब्ध हैं। भागलपुर बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कमल नगर कॉलोनी के समीप डिजिटल वर्ल्ड कैफे में सिगरेट पीने से मना करना कैफे संचालक को भारी पड़ गया। दरअसल कैफे के पास सिगरेट पीने से जब संचालक ने कुछ छात्रों को मना किया तो सभी आक्रोशित हो गए। करीब आधा दर्जन छात्रों ने कैफे मालिक सन्नी कुमार की जमकर पिटाई कर दी, साथ ही दुकान का शीशा तोड़कर युवकों ने सन्नी के सिर में मारकर घायल कर दिया। इधर मारपीट की यह पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर छात्रों द्वारा कैफे संचालक की किस तरह से पिटाई की गई यह दिखाई दे रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची बबरगंज पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी, जबकि पुलिस ने CCTV फुटेज को भी खंगाला है। इधर इस मारपीट की घटना को लेकर घायल युवक और स्थानीय लोग कुछ भी कहने से बचते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई करने की भी बात कह रही है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि पूरा विवाद ड्रग्स पीने को लेकर हुए झंझट के बाद शुरू हुआ, जो बाद में मारपीट की घटना के रूप में सामने आया। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 के अनुसूची 4 में किए गए प्रावधान के अनुरूप भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के फोस्टैक कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। 2 दिवसीय ट्रेनिंग के दौरान भागलपुर दल्लू बाबू धर्मशाला में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हुए खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें 100 कारोबारियों ने भाग लिया। इस दौरान FSSAI के प्रशिक्षक डॉक्टर राकेश सिंह ने फूड रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस की अनिवार्यता प्रक्रिया, खाद खतरा एवं नियंत्रण, खाद जनरित रोग, विभिन्न प्रकार के खतरे, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ऑपरेटिंग प्रोसीजर पर चर्चा की गई, जबकि इसके अलावा व्यक्तिगत एवं कार्यस्थल की साफ सफाई एवं स्वच्छता, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, कुट सैंपल एवं टेस्ट की जरूरत, फूड पैकेजिंग एवं लेबलिंग नियम, कच्ची सामग्री
सामग्री की गुणवत्ता के मानक और सावधानियों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। बिहार सरकार के निर्देश पर आयोजित प्रशिक्षण शिविर में FSSAI ट्रेनिंग पार्टनर हरियाणा पंचकूला के खालसा स्किल एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया दिया गया। मौके पर ट्रेनिंग पार्टनर की ओर से राज्य समन्वयक आनंद आचार्य, राघव खान और राहुल कुमार समेत कई लोग उपस्थित रहे। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा भागलपुर की ओर से व्यावसायिक बकरी पालन विषय पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कृषि कार्यालय परिसर स्थित आत्मा प्रशिक्षण भवन में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला कृषि पदाधिकारी अनिल कुमार यादव, जिला पशुपालन पदाधिकारी अरविंद कुमार, सहायक कुक्कुट पदाधिकारी संतोष कुमार और परियोजना उप निदेशक प्रभात कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा जिले के सभी प्रखंडों के निबंधित 160 किसानों को ऑफलाइन एवं ऑनलाइन प्रशिक्षण से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी से आत्मा के परियोजना निदेशक अनिल कुमार यादव ने किसानों का स्वागत करते हुए कहा कि किसानों की मांग पर बकरी पालन विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जबकि बदलते परिवेश में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक धन उपार्जन को लेकर सरकार द्वारा कई तरह की योजना चलाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि के साथ उद्यान एवं पशुपालन के क्षेत्र में कार्य के लिए कई अवसर मिल रहे हैं, जिसका लाभ उठाकर स्वरोजगार के साथ दूसरों के लिए भी रोजगार का अवसर मुहैया कराया जा सके। इसके अलावा प्रशिक्षण के दौरान निदेशक संतोष कुमार ने सभी किसानों को कहा कि बकरी पालन को उद्यम के तौर पर अपनाया जा सकता है और अपने जीवन में समृद्धि के अवसर को भी बढ़ाया जा सकता है। वहीं उप परियोजना निदेशक प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि मांस एवं दूध के लिए बकरी पालन का व्यवसाय सर्वाधिक फायदेमंद है। वहीं उप परियोजना निदेशक प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि मांस एवं दूध के लिए बकरी पालन का व्यवसाय सर्वाधिक फायदेमंद है, जिसमें किसान कम पूंजी में भी इस व्यवसाय के द्वारा सफलतापूर्वक अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। मौके पर प्रखंड तकनीकी त्रिभुवन नारायण सिंह, श्रद्धा गर्म, सहायक तकनीकी प्रबंधक आदित्य नारायण, शुभम प्रियदर्शी समेत कई लोग उपस्थित थे। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम चक्रपाणी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कलकत्ता में कार्यरत हूँ। हम लोग 18 मार्च 2023 को मंगलम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भागलपुर में आ रहे हैं अपनी टीम के साथ, और कैंसर रिलेटेड समस्याओं के बारे में सुनेंगे और सुझाव देंगे। मेरा स्पेशलिटी ब्लड और ब्लड से संबंधित बीमारियां हैं, लाइक थैलेसीमिया, ब्लड कैंसर, लो प्लेटलेट का काउंट, लो हीमोग्लोबिन, उससे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसके बारे में हम सुझाव देंगे। कुछ कैंसर जो कि कीमोथेरेपी से ठीक नहीं होता है, उस कंडीशन में हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। थैलेसीमिया का बीमारी के लिए ट्रांसप्लांट करते हैं, इसके संबंधित भी आप लोग को जानकारी देंगे। तो हमारा आग्रह है और सुझाव है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर में आइए, ताकि हम लोग आप लोग के साथ बैठकर और इंटरेक्ट करके आप लोग के समस्या का समाधान कर सकें। नमस्ते दोस्तों, कैंसर सुन के सब डर जाते हैं ना, और कैंसर बढ़ते जा रहा है सबको मालूम है, और भागलपुर जैसी जगह में जब कैंसर सुनते हो तो आप तुरंत शहर की तरफ दौड़ने का सोचते हो। आज आपके लिए खुशखबरी की बात है, अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कलकत्ता आपके लिए कैंसर की पूरी टीम, यस दोस्तों पूरी टीम, मेडिकल सर्जिकल रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट को लेके 18 तारीख को मंगलम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपकी दुविधा को दूर करने के लिए आ रही है। कोई भी शंका हो, सेकेंड ओपिनियन हो, कुछ भी आपको डिस्कस करना हो, एक छत के नीचे ऑल स्पेशलिस्ट आपके लिए भागलपुर में आ रहे हैं। मैं डॉक्टर विकास कुमार अग्रवाल, सीनियर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मिलते हैं आपसे 18 तारीख को भागलपुर। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर जगदीशपुर के प्राचीन दुर्गा मंदिर प्रांगण में चल रहे 5 दिवसीय श्री कृष्ण लीला महोत्सव के दौरान कलाकारों द्वारा भगवान कृष्ण की बाल लीला, माखन लीला, मिट्टी लीला, कालिया नाग प्रकरण और गोपियों के साथ की लीला के अलावा बरसाने की होली पर नाट्य प्रस्तुति दी गई। इस दौरान मुरादाबाद से पहुंचे पुनीत जैन ने मंच संचालन करते हुए सभी का मनोरंजन किया, जबकि कार्यक्रम के दौरान पूरा मंदिर प्रांगण भगवान
भगवान कृष्ण और राधा रानी के रंग में रंगा दिखा। इससे पूर्व शुरुआत राहुल जी राहुल के ग्रुप के कलाकारों ने सरस्वती वंदना से की। इधर कृष्ण लीला महोत्सव में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आए वैष्णवी कला मंच के कलाकारों द्वारा मनमोहक झांकी एवं भक्तिमय गीत संगीत की प्रस्तुति दी गई, जिसे देखकर वहां मौजूद हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। भागलपुर सैंडिस कंपाउंड से जयप्रकाश उद्यान में भारतीय वन्यजीव संस्थान उद्यान और सृष्टि गंगा प्रहरी पर्यावरण एवं जन कल्याण सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में नदियों की कार्यवाही का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान लोगों को बताया गया कि नदी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, जबकि इसके अलावा आम नागरिकों को नदी के साथ जलीय जीवों के संरक्षण और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सहभागिता सुनिश्चित करने के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा कार्यक्रम में नदी प्रदूषण, नदी प्रबंधन और नदियों में जलीय जीव के संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सृष्टि गंगा प्रहरी सोसाइटी जो है, जो कि हम लोगों के द्वारा ही बनाया है और एक छोटा सा सोसाइटी कह सकते हैं, उसके द्वारा जो है और भारतीय वन्य जीव संस्थान के सहयोग से हम लोग यहाँ पे आज इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स मना रहे हैं, जिसके तहत जो है लोगों को नदियों की क्या उपयोगिता है, नदियों की क्या भूमिका है आम जन मानस के जीवन में, वो चीज़ को हम लोग बता रहे हैं। और साथ में चूँकि भारतीय वन्यजीव संस्थान ने हम लोगों को ये अवेयरनेस हो चाहे अन्य गतिविधियों में शामिल किया है, जिसके तहत हम लोग जो है गंगा नदी तंत्र में रहने वाले जलीय जीवों के ऊपर जो है उनके जागरूकता को लेके उनके किसी भी तरह का कोई बदलाव हो रहा है तो जनमानस तक उसको पहुंचा रहे हैं, इसका कार्य हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।